मैं हूँ योशु। मायापुरी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ट्रोलर्स को जवाब देने के लिए माने जाते हैं इन दिनों। बता दें कि उनकी बेटी आराध्या, जो ऑफन सोशल मीडिया पर टारगेट होती हैं, अब उनके डैड ने इसके बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी आराध्या को ट्रोल करेंगे वो इस बात को टॉलरेट नहीं करेंगे, वो बहुत छोटी है और ये कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो मानते हैं कि वो एक पब्लिक फिगर हैं और वो क्रिटिसिज्म फेस कर सकते हैं, लेकिन उनकी बेटी को ट्रोल्स फेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आउट ऑफ बाउंड है। अभिषेक बच्चन ने साथ में ये भी ऐड किया कि अगर ट्रोलर्स को इतने गट्स हैं तो वो ये सब उनके फेस के सामने क्यों नहीं कहते हैं। नेटफ्लिक्स की रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म धमाका स्टारिंग कार्तिक आर्यन, जिसे राम माधवनी ने बनाया था, बता दे कि ये काफ़ी ट्रिमेंडियस प्रेज और लव गैदर कर रहा है व्यूअर्स के चलते। इसकी स्टोरी लाइन को काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग बताया जा रहा है और स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए पूरी स्टार कास्ट। बता दे कि जब से धमाका रिलीज हुई है तब से टॉप 5 नॉन इंग्लिश फिल्म्स वर्ल्ड वाइड और नेटफ्लिक्स में बनी हुई है और धमाका की जो वॉच है वो है 4.8 मिलियन आवर्स फ्रॉम 22 नवंबर टू 28 नवंबर, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ये फिल्म ट्रेंड भी कर रहा है टॉप 10 इन फिल्म्स इन 10 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, UAE, श्रीलंका और बांग्लादेश। थ्रिलर फिल्म बॉब बिस्वास आज रिलीज हुई Z5 पर और इस फिल्म में नजर आ रहे हैं अभिषेक बच्चन मेन रोल में। उनका रोल एक असैसिन का है। ट्रेलर से हमें ये पता चला था कि इस फिल्म में चित्रांगना सिंह और टीना देसाई भी हैं। वेल, बता दे कि इसे लिखा गया है कहानी के डायरेक्टर सुजॉय जोश ने और उनकी बेटी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दिया अन्नपूर्णा घोष ने। इस फिल्म के चलते बॉलीवुड में एक और डेब्यू हो चुका है। इस फिल्म में जो अभिषेक बच्चन की बेटी का किरदार निभा रही है वो है समारा तिजोरी, जो दीपक तिजोरी की बेटी है। दीपक तिजोरी एक पॉपुलर 90s के एक्टर हुआ करते थे। द मच अवेटेड दिवाली रिलीज फिल्म सूर्यवंशी को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। स्टारिंग अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ और इस फिल्म को बनाया रोहित शेट्टी ने। बता दे कि अब नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। 5 नवंबर को ये फिल्म थिएटर्स पर वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी और अब ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। ये पहले ही बताया गया था कि 3 दिसंबर को ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी जाएगी और नेटफ्लिक्स से और रोहित शेट्टी का जो डील हुआ था वो 75 करोड़ का हुआ था। सूर्यवंशी ने नेटफ्लिक्स से अप्रोक्स 100 करोड़ फेच कर लिए हैं ट्रेड सोर्स की माने तो। लव बर्ड्स कैटरीना कैफ और विकी कौशल ऑफिशियली सिक्स सेंसेस फोर्ट भरवारा में शादी करने जा रहे हैं अगले हफ्ते। वेल, रिपोर्ट्स की माने तो कैटरीना और विकी जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे 5 दिसंबर को और ऐसा कहा जा रहा है कि मीडिया की अटेंशन अवॉइड करने के लिए दोनों ने ये चीज़ प्लान की है कि वो हेलीकॉप्टर से वेडिंग वेन्यू तक पहुंचेंगे। जी हाँ, सोर्सेज से पता चला है कि ब्राइड और ग्रूम जो है हेलीकॉप्टर चॉपर से जयपुर वेडिंग वेन्यू तक पहुंचने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली इस कपल को 2 घंटे लगेंगे मुंबई से जयपुर पहुँचने में। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग एंजॉय करती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ बंच ऑफ पिक्चर्स शेयर किए जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुके हैं। इस लुक में दिशा पाटनी काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस लग रही हैं। यहाँ उन्होंने ब्राउन कलर का बॉडीकॉन ड्रेस पहना है और यहाँ अपने लुक को एक्सेसराइज करने के लिए उन्होंने एक स्मॉल शोल्डर बैग और एक स्मॉल गोल्ड क्रॉस चार्म नेकलेस भी पहना है। दिशा पाटनी का ऑल ओवर लुक काफी ज्यादा बोल्ड नजर आ रहा है। उनके बाल कर्ली वेव्स में नजर आए। उनका पूरा लुक काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस वजह से ये लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस पिक्चर को कई सारे लाइक्स और कमेंट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मिर्जापुर फेम एक्टर ब्रह्मा मिश्रा का हुआ देहांत। जी हाँ, मुंबई में उनके अपार्टमेंट में उनकी बॉडी पाई गई। सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ कंफर्म हुआ और साथ ही में लेट एक्टर की लास्ट इंस्टाग्राम वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसमें हम उनको डांस करते हुए देख सकते हैं वन ऑफ द फेमस सॉन्ग इन दे गेतो में। बता दें कि फैंस कमेंट सेक्शन पर यहाँ पर अपना शौक और कंडोलेंस शेयर करती हुई नजर आई। अब तक ऐसा बताया जा रहा है
कि उनकी बॉडी उनके मौत के 3 दिन बाद पाई गई और ऐसे रिपोर्ट सरफेस कर रहे हैं कि उनकी मौत हार्ट अटैक के चलते हुई थी, क्योंकि 29 नवंबर को वो चेस्ट पेन के लिए मेडिकेशंस भी ले रहे थे और हार्ट अटैक से उनका देहांत हुआ, लेकिन अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी नज़दीक आती जा रही है और रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस वेडिंग में सलमान खान इनवाइटेड नहीं है। जी हाँ, उनकी वेडिंग 7, 8 और 9 दिसंबर को रणथंबोर में होने जा रही है विकी कौशल के साथ, और ऐसा लगता है कि कैटरीना कैफ यहाँ पर ये बिलीव करती हैं कि एक्सेस दोस्त नहीं हो सकते। क्या इसका मतलब ये है कि क्या वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर को भी नहीं इनवाइट करेंगी? वेल, बता दें कि दोनों ने प्रोफेशनली भी काफ़ी काम किया है और दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की बात शादी तक आ गई थी, लेकिन उनका ब्रेकअप काफ़ी बुरी तरह से हुआ था, जिसके बाद कैटरीना कैफ डिस्टर्ब्ड हो चुकी थी। वेल, अब देखना ये होगा कि क्या रणबीर कपूर इस शादी में इनवाइटेड है या फिर नहीं। Amazon Prime Videos ने ये अनाउंस किया कि उनकी फिल्म मराठी हॉरर थ्रिलर फिल्म बाली रिलीज होने जा रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। इस फिल्म में एक्टर्स स्वप्निल जोशी नजर आएंगे पूजा सावंत, समर जावेद के साथ, और इस फिल्म को बनाया है विशाल फूरिया ने। ये फिल्म Amazon Prime Videos पर रिलीज होने जा रही है 9 दिसंबर को इंडिया में और साथ ही में 240 अदर कंट्रीज और टेरिटरीज में वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा हाल ही में एक और हॉरर जॉनर की फिल्म Amazon Prime Videos पर रिलीज हुई थी छोरी, जिसमें नुसरत भरूचा मेन रोल में नजर आई थी। हालांकि इस फिल्म को इतने अच्छे रिव्यूज नहीं मिले। द डीवा ऑफ ड्रामेटिक एक्टिंग, हम बात कर रहे हैं शबाना आजमी की। वो अपने यंगर डेज में अपने लुक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। बता दें कि उन्होंने 10 kgs लूज कर लिए हैं, स्पेशली करण जौहर की आलिया भट्ट और रणवीर सिंह स्टारर फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। बता दें कि इस फिल्म में वो आलिया भट्ट की ग्रैंड मदर का रोल प्ले करने जा रही हैं। ये फिल्म 10 फरवरी 2023 को रिलीज होने जा रहा है। करण जौहर इस फिल्म से डायरेक्शन में रिटर्न हो रहे हैं 5 साल बाद। लास्ट उन्होंने फिल्म ए दिल है मुश्किल डायरेक्ट की थी। अब इस फिल्म में शबाना पहली बार एक स्लिम और सेक्सी ग्रैंड मॉम के रोल में नजर आने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वर्की और इंटरेस्टिंग होगा देखना। अपने वेट लॉस के बारे में बात करते हुए शबाना ने कहा, Losing and gaining weight for your characters is not something I recommend, especially after a certain age. But here in Karan's film, I needed an excuse to lose weight. आज के लिए इतना ही। लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी कार्ट।